आज मैं बना रही हूँ आलू बड़े। इसकी सब्जी मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक कटोरी बेसन और आधा कटोरी रवा ले लिया था और इसमें मैंने सिर्फ नमक और अपना खाने का सोडा मिक्स करा है। अब मैं यहाँ पे गैस पे रखूँगी थोड़ा सा तेल ऑयल गर्म करने के लिए। अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है और अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल तलने के लिए। अब अपन इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ पे तेल गर्म हो गया है, थोड़ा सा डाल के देखना है और डालने के बाद अगर वो ऊपर आया तो समझ लेना कि आपका तेल गर्म हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने ये डाल दिया है। अब मैं चम्मच से ही इसके ऊपर डाल दूंगी ये और फिर धीरे से इसको निकाल के ये डालूंगी इसके अंदर। एकदम धीरे से डालना है ताकि तेल आपको चटका नहीं लग जाए तेल का, इसलिए। आप इसके साथ इमली की चटनी या पुदीने की चटनी या सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हो और बनाने में भी अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कोई गेस्ट आए तो उनके लिए भी आप ये बना सकते हो। एक ट्रिक है आप लोगों के लिए, अपन जब भी कांदे काटते हैं ऑनियन तो उसके ऊपर का जो छिलका रहता है, जो जैसे धागे जैसा रहता है, वो अगर आप काटते वक्त वो अगर आप सिर के ऊपर रखोगे तो आपकी आँख में से कभी आंसू नहीं आएंगे जब आप ऑनियन काटोगे तब। और एक बार आप ट्राई ज़रूर करना, और अगर आप ट्राई करने के बाद अगर आपको लगा कि हाँ ये सही में वैसा हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही ट्रिक्स लाती रहूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। हल्के ब्राउन होंगे जब तक अपने को तलना है, उसके बाद अपने आलू बड़े बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। इसके साथ आप इमली की चटनी भी बहुत टेस्टी लगती है, बाजार में भी आराम से मिल जाती है और आप घर पे भी बना सकते हो। देख सकते हो आप एकदम ब्राउन थोड़े थोड़े से होने लग गए हैं। गैस अपने को मीडियम ही रखना है, ज़्यादा तेज नहीं रखना है। और वैसे तो आलू अपने उबले हुए ही रहते हैं इसलिए अंदर का तो कुछ इतना नहीं रहता, लेकिन बाहर अगर ब्राउन हो जाएंगे तो आलू और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, आलू बड़े और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, फिर मिलेंगे। बाय बाय।